वेलकम टू ब्लैक मिरर हॉरर। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज मैं आप सभी के लिए पिशाचनी और विंड चाइम का रहस्य का पार्ट वन लेकर आई हूँ और उम्मीद करती हूँ कि ये कहानी आपको पसंद आएगी। कहानी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इस कहानी के लेखक हैं राहुल हल्दर जी। तो चलिए अब बढ़ते हैं हमारी आज की कहानी की ओर। घर से लाए सामान को एक कोने में रख बड़े ही थकावट के साथ बेड पर धम्म से अंकित लेट गया। यात्रा कुछ ज़्यादा ही दूर की थी घर से इस कमरे की, पर अब तो वो पहुँच ही गया था। अंकित सिंह की नौकरी लखनऊ में बैंक ऑफ बड़ौदा की संस्था में लगी थी, इसीलिए मुजफ्फरनगर से लखनऊ शिफ्ट होना पड़ा। नौकरी का लेटर मिलते ही उसने आकर कमरे को देखकर, आज इसी में शिफ्ट हो रहा है। कमरे के मालिक ने बताया है कि उसके आने के एक दो हफ्तों में एक और आदमी यहाँ रहने आएगा। वैसे कमरा खासा बड़ा है, दो क्या तीन आदमी भी आसानी से रह सकते हैं। कमरे में दो बेड, दोनों बेड आमने सामने लगाए हुए हैं। उसके पास एक एक टेबल, ऊपर दो सीलिंग फैन और दो तरफ दो बल्ब और एक ज़ीरो बल्ब। कमरे से सटा बाथरूम और किचन, बाहर एक बालकनी जिससे शहर के बड़े बिल्डिंग व भागती गाड़ियां दिख रही हैं। इस कमरे से उसका बैंक भी काफ़ी नज़दीक था और बाकी सभी जगह के कमरों के मुकाबले ये कुछ सस्ता ही मिला और अच्छा भी है। बेड पर लेटते ही अंकित को नींद आ गई और फिर दो घंटे बाद जब उसकी नींद खुली तब ये जगह एक अनजान जगह जैसी लगी। नई जगह आने पर ऐसा होता है। शाम हो आई थी, टुन टुन कर कुछ बजने की आवाज़ आई अंकित को। बालकनी के पास नज़र जाते ही उसने देखा एक नीले व सफ़ेद रंग का विंड चाइम झूल रहा है। बाहर से आते शाम की हवा के कारण एक सुर से वो विंड चाइम बजता चला जा रहा था। बहुत अच्छा लगा अंकित को वो विंड चाइम। बाथरूम में जाकर गया, फिर आकर बालकनी के पास खड़े होकर उस विंड चाइम को ध्यान से देखने लगा। धागे से झूलते सिल्वर कलर के छोटे छोटे पतले पाइप तथा अंदर व बाहर नीले कलर के प्लास्टिक के फूल और बीच बीच में छोटे छोटे तिकोण डिज़ाइनर कांच के टुकड़े लगे हुए हैं। धातु के छोटे पाइप जब आपस में टकराते तो एक टुन टुन की आवाज़ आती। बहुत सुंदर है पर पुरानी है, क्योंकि सिल्वर कलर कहीं कहीं निकल गई है और धागे भी अपने पुराने होने का एहसास करा रहे हैं। वाह, अच्छा लग रहा है, बालकनी अच्छा सजा हुआ दिख रहा है, बजते रहो, खुश होकर अंकित बोला। फिर अपने सामान को सही जगह सेट करने लगा। टेबल पर बुक्स व ज़रूरी सामान दीवार में बने अलमारी में बाकी सामान उसने रख दिया। इसी बीच अंकित ने ध्यान दिया कि विंड चाइम कुछ ज़्यादा ही तेज़ी से बज रहा है, एक सुर के साथ और ज़ोर से। बाहर से इतनी तेज़ हवा भी नहीं आ रही, बल्कि हवा का तो नामो निशान नहीं है। तो फिर बिन हवा के विंड चाइम इतनी तेज़ी से, मानो कोई उसे पकड़कर हाथ से हिला रहा हो। अंकित ने पीछे मुड़कर एक बार विंड चाइम को देखा। हाँ, कुछ ज़्यादा ही ज़ोर से हिल रहा है। अब उसकी सुरीली टिनटिन खराब लग रही है। न जाने क्या सोचकर फिर उस विंड चाइम की ओर वो बढ़ने लगा। जैसे जैसे वो कदम उस विंड चाइम की ओर बढ़ा रहा था, उसकी ज़ोर की टुनटुन क्रमशः धीरे धीरे कम होती गई और एक समय आया जब अंकित उसके एकदम नज़दीक था। तब विंड चाइम फिर अपने पहले की तरह सामान्य अवस्था में आ चुका था। अंकित बाहर की बालकनी पर खड़े होकर कुछ देर बाहर के नज़ारों को सिर घुमाकर इधर उधर देखने लगा। नहीं, उसे लगा शायद उसके अलावा पूरा शहर अपने काम में अब भी व्यस्त है। तो यही है नवाबों का शहर लखनऊ, चलो अब हम भी नवाब हो गए, जमाई लेते हुए अंकित बोला। उसी वक्त पीछे का विंड चाइम फिर तेज़ी से हिलते हुए टुन टुन की आवाज़ करने लगा। अब अंकित ने बालकनी का दरवाज़ा बंद किया, पर विंड चाइम है कि अपने में ही मस्त है, उसे तो हवा की ज़रूरत ही नहीं। मानो कह रहा हो मुझे हवा का दोस्त न समझो, मैं तो आज़ाद पंछी हूँ, आसमान दे दो ऐसे ही उड़ता रहूँगा। ये सोच अंकित को हंसी आ गई और हाथ से एक बार फिर उस विंड चाइम को सहलाते हुए आगे बढ़ गया। बजते रहो टुन टुन, अंकित ने अपना कपड़ा पहना और बाहर निकल गया। आज बाहर ही खाना है और कल के लिए ज़रूरी सामान भी लाना है। इधर विंड चाइम
अपने ही धुन में मस्त रहा। रात के 9 बजे जब अंकित कमरे में आया तो उसने कमरे की लाइट जलाई। उसका एक बार ध्यान फिर से उस विंड चाइम के ऊपर गया। नहीं, अब वो एकदम शांत है। केवल कमरे की लाइट जो कांच के टुकड़ों पर पड़ रही है, केवल वही एक दो बार चमकती। अंकित ने जाकर बालकनी का दरवाज़ा खोला, फिर एक बार विंड चाइम की आवाज़ सुनाई दी। अब फिर वो धीमे से टुन टिन करने लगा। अंकित आकर बेड पर बैठ गया और रात 11 बजे थे। तब तक वो इधर उधर किताब पढ़ता रहा। फिर कुछ देर बाद ही उसकी आंख लग गई। रात के यही कुछ 2 बजे होंगे। कमरे में एक ज़ीरो लाइट जल रही है। गहरी नींद को चीरते हुए विंड चाइम की आवाज़ अंकित के कानों में पड़ी। एक सुरीली भयानक टिन टिन की आवाज़ के कारण उसकी नींद खुल गई। सिर उठाकर इस ज़ीरो बल्ब की हल्की रोशनी में अंकित ने विंड चाइम की तरफ नज़र घुमाई और एक पल के लिए वो बेड पर ही कांप उठा। डर से उसके शरीर के रोएं खड़े हो गए और धड़कन जोर से धकधकाने लगा। ज़ीरो लाइट के उस अंधेरे में भी देखा जा सकता था कि मानो एक काली परछाई उस विंड चाइम के पास खड़ी है। उसकी दोनों जलती आंखें अंकित को ही देख रही हैं और वह परछाई अपने हाथों से विंड चाइम को हिला रही है। अंकित के माथे से पसीने छूट गए। एक तो नया कमरा और पहले ही दिन ऐसा दृश्य। कमरे के घुटन से भी अंकित को ऐसा महसूस हो रहा था कि मानो यहाँ कोई है। पंखे की आवाज़ के कारण शायद उसकी सांसों की आवाज़ नहीं सुनाई दे रही। अब विंड चाइम की आवाज़ कम हो गई है। उछल कर अंकित उठा और जल्दी से पास के दीवार पर लगे बोर्ड से लाइट ऑन किया, पर वहाँ कोई नहीं। विंड चाइम तो कुछ सेकंड ही और टुन टुन करती रही। शायद ही उसका भ्रम है, नया घर है तभी ऐसा लग रहा है। यही सोच अंकित फिर लेट गया। नहीं, आज लाइट्स ऐसे ही जलेंगी। इसके अलावा वैसे भी पहला दिन कुछ अजीब तो लगेगा ही। लेट कर आँखें बंद की अंकित ने और कुछ सोचने लगा कि आखिर उसने देखा क्या। जब वो जागा तब वो विंड चाइम की आवाज़ बहुत तेज़ी से आ रही थी, पर अब नहीं। ये भी भ्रम ही होगा। लेटे लेटे ही अंकित की नज़र पहले विंड चाइम पर और फिर बालकनी के दरवाजे के पास ही लगे एक छोटी खिड़की की तरफ गई। अंकित एक बार फिर उठ बैठा। जो इस बार उसकी आंखें उसे दिखा रही हैं वो भ्रम नहीं है। कमरे की लाइट बाहर के उस छोटे बालकनी पर तो नहीं जा रही, पर बाहर चाँद की रोशनी में साफ दिख रहा है कि एक परछाई, या ये कहे फिर एक भयानक विभत्स परछाई वहाँ खड़ी है और उसकी आंखें अंकित को ही घूर रही हैं। कौन है वहाँ? कौन है? मैं पुलिस को फ़ोन कर रहा हूँ। ये बोलकर अंकित बालकनी की तरफ बढ़ा। इसी बीच विंड चाइम फिर से धुन पकड़ने लगा। बालकनी का दरवाज़ा ज़ोर से खोलते ही लाइट बाहर की बालकनी तक खेल गई, पर फिर से वहाँ कोई नहीं। वो क्या है? ये बोलकर बालकनी पर खड़े होकर अंकित चारों तरफ देखने लगा। शहर सही नींद में मग्न है। चाँद की रोशनी यहाँ अच्छे से आ रही है। चाँद की रोशनी ने इस जगह बेहतरीन बना रखी है, पर उसी रोशनी में ही अंकित ने अभी कुछ देखा था। कुछ समय में एक बार नहीं बल्कि वही परछाई साया वो 2 बार देख चुका है। कुछ देर बालकनी पर खड़ा रहने के बाद दरवाज़ा बंद कर अंकित फिर आकर लेट गया। अब उसकी आंखों में नींद ने फिर दस्तक दे दी। दिन भर की यात्रा की थकान अभी भी उसके शरीर में है। नहीं तो नींद तो आ रही है, पर आंख बंद करने पर किसी के इस कमरे में होने का एहसास अंकित को हो रहा है। पर कुछ देर बाद आखिर अंकित को नींद आ ही गई और विंड चाइम टुनटुनाता रहा। सुबह अंकित की नींद खुली। उसे अभी भी याद है कि कल रात को उसने कुछ तो देखा था, पर क्या ये नहीं पता। उठते ही उसकी पहली नज़र विंड चाइम की तरफ ही गई। 2 दीवार के बीच लगे एक डंडे से वो लटकाया गया है। अब वो विंड चाइम एकदम शांत है, पर रात को तो ऐसे हिल रहा था मानो तूफान आया हो। आज रात गहरी नींद में अंकित सपना देख रहा था कि वो एक अंधेरे में सोया हुआ है और उसके चारों तरफ भयानक से सड़े गले दानव व कंकाल खड़े हैं जो उसकी तरफ धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। एक एक कर सभी दानव व कंकाल क्रमशः अंक नज़दीक आ गए, पर वो कुछ नहीं कर सकता। वो केवल सोते हुए खुद के मरने का इंतज़ार कर रहा है। शैतान व दानव उसके पास आए,
फिर पास आकर उसके शरीर को चीरने फाड़ने लगे और उसके शरीर के मांस को टुकड़े करके खाने लगे। वह हड्डियाँ हवा में उछालने लगे। ऐसे ही सभी दानव व कंकाल अंकित के मांस व हड्डियों से जश्न मनाते रहे। अंकित नहीं नहीं कहकर चिल्लाते हुए उठ गया। बहुत ही भयानक सपना था, पर एक बात जो इस समय ध्यान देने वाली है वो है कमरे में जलाया हुआ जीरो लाइट नहीं जल रहा, पूरे कमरे में अंधेरा है। अंकित ने स्विच बोर्ड तक पहुंचने के लिए जैसे ही बेड पर हाथ इधर उधर कर मोबाइल खोजने की कोशिश की, वैसे एक बार फिर तेज़ी से वो विंड चाइम बज उठा। वो विंड चाइम मानो कह रहा हो कि कई नकारात्मक शक्तियों ने अंकित को घेर लिया है, जो उसके शरीर के टुकड़े कर खून को चूस जाना चाहती है। तभी अचानक पूरे कमरे में एक सड़ी हुई दुर्गंध व एक भयानक आवाज़ आई। ऊपर फैन भी नहीं चल रहा, शायद बिजली चली गई है। अंकित के माथे से पसीना निकल रहा है। अब अंकित ने फैन को देखने के लिए अपनी नज़र ऊपर की ओर उठाई। ऊपर का दृश्य देख अंकित डर से चिल्लाना चाहता था, पर उसका शरीर मानो जम गया है। चाहते हुए भी वो आवाज़ नहीं निकाल पा रहा था। उसकी आंखें केवल ऊपर सीलिंग से लटकते एक भयानक चेहरे की तरफ है और उसके शरीर पर खून के छींटे गिर रहे हैं। ऊपर लटका हुआ है एक दानव शैतान का साया, जिसका पूरा शरीर मानो सड़ गया है। वो दानव अपनी लाल आंखों से एक तक अंकित की तरफ ही देख रहा था। अंकित बेड पर जम सा गया है। तभी एक और हलचल हुई और सामने के विंड चाइम से लाल रंग की एक रोशनी ने पूरे कमरे को अपने आगोश में ले लिया। उस रोशनी में साफ साफ दिख रहा था कि काले रंग की लंबे लंबे बालों वाली एक लड़की की परछाई वहां खड़ी। उस लड़की की परछाई तो और भी भयानक है। उस लड़की का पूरा शरीर जला हुआ है, चेहरे पर एक भयानक सी हंसी और उसके होठों के पास से खून टपक रहा है। वो धीरे धीरे अंकित की तरफ बढ़ने लगी। अंकित कांपते हुए ये सब देख रहा था, पर वो तो मानो बर्फ की तरह जमा हुआ है और ये सब देख अभी बेहोश होने वाला है। उसका सपना मानो सच होने वाला था। उसके चारों तरफ कई भयानक नकारात्मक शक्तियों ने घेर रखा है और वो भयानक लड़की अंकित के पास आई। पूरे कमरे में एक भयानक सा आतंक छा गया था। अंकित अब और इस भयानक आतंक को सह नहीं पाया और बेहोश हो गया। अब अंकित का शरीर हवा में उड़ने लगा और उसके शरीर से मांस सड़कर नीचे गिरने लगा। अंकित के खून व सड़े गले मांस को कई शैतानी शक्तियाँ और वह भयानक लड़की खाती रही। चार दिन एक कमरे का दरवाज़ा नहीं खुला। बाहर से इतना पता चल रहा है कि कमरे के अंदर कोई तो है, इसके अलावा अंदर से कई प्रकार की दुर्गंध भी आती है। उस कमरे का मालिक ये बताने आया है कि कल ही एक और आदमी यहाँ रहने आने वाला है। कमरे के मालिक का नाम किशन गुप्ता है। उन्होंने कई बार फ़ोन लगाया पर मोबाइल बंद है, इसीलिए आज खुद ही मिलने चले आए। उन्होंने 2-3 बार दरवाज़ा खटखटाया, तब अंदर से आवाज़ आई, आ रहा हूँ। दरवाज़ा खुला और सामने खड़ा है 6 दिन पहले आया लड़का अंकित। एक बार मकान मालिक किशन गुप्ता ने अंकित को देखा, फिर अंदर आकर कमरे को देखने लगे। अंदर सब एकदम ठीक है। बालकनी के दरवाजे के पास विंड चाइम टुन टुन कर रहा है। सब कुछ एकदम ही ठीक, पर कोई एक ठीक नहीं है और वो है अंकित। उसकी आंखें एकदम लाल है और उसका चेहरा मानो सड़ गए थे जो ठीक हुए हैं। पहनावा गंदा सा, शरीर एकदम पतला सा हो गया है। गले की हड्डी बाहर की तरफ झूल रही है, मानो उसके शरीर में एक बूंद भी खून नहीं और ना ही जाने कितने दिनों से उसने कुछ खाया नहीं है। लेकिन चेहरे पर एक हंसी है। ऐसा हुलिया तो आज से 6 दिन पहले अंकित का नहीं था। किशन गुप्ता ये देख बोले, क्या बेटे खा पी नहीं रहे क्या? अंकित हंसकर बोला, चाचा बस कुछ तबीयत खराब है, जल्दी ही अपनी भूख प्यास बुझाकर मैं ठीक हो जाऊंगा। किशन गुप्ता की उम्र 55 पार है। उन्होंने कई लड़कों व आदमियों को यहाँ के कमरों में रहते देखा है, पर ऐसा उत्तर किसी भी अनजान को देते नहीं सुना। एक मिनट तो उन्होंने ये सोचा कि आखिर अंकित ने बोला क्या। किशन गुप्ता फिर बोले, तबीयत खराब है तो दवाई खा रहे हो या नहीं? यहाँ शहर में बीमारियों को होने में देर नहीं लगती, पानी बदला है तो होता है। अंकित फिर खिलखिलाकर हंस पड़ा और बोला, मेरी दवाई तो मेरा शरीर ही है और जितना शरीर मैं पा जाऊं उतना ही मैं ठीक हो जाऊंगा। अंकित ने क्या कहा, एक बात भी किशन गुप्ता के दिमाग में नहीं गई।
किशन गुप्ता का मन अब ऐसा कह रहा है कि वो भले इस जगह के मालिक है पर अभी यहाँ से उन्हें निकल जाना चाहिए। बालकनी का दरवाज़ा खुला हुआ है, विंड चाइम टुन टुन कर रहा है। अपने मन में अंकित के बारे में वह और कई बातें सोचते हुए ये बात किशन गुप्ता के दिमाग में ही नहीं आया। विंड चाइम की तरफ इशारा करते हुए किशन गुप्ता बोले, ये विंड चाइम तुम्हें पसंद आया? इसके पहले जो यहाँ रहती थी ये उसी का है, पर वो बेचारी। अंतिम के पर वो बेचारी कहते हुए किशन गुप्ता का चेहरा उतर सा गया, मानो उनका चेहरा कह रहा हो कि यहाँ जो इससे पहले रहती थी उसके साथ कुछ भयानक घटना हुई थी। बहुत कुछ सोचते हुए किशन गुप्ता एक तक उस बालकनी की ओर देखते रहे। इसी बीच अंकित बोला, ये विंड चाइम तो मुझे बहुत पसंद है, या कहें मैं तो अब उसी में रहता हूँ। ये बात भी किशन गुप्ता के सिर से ऊपर से गई, पर उन्हें कुछ याद आया कि ऐसी अजीब बातें उनसे केवल इससे पहले यहाँ रहने वाली एक लड़की ही करती थी। अरे नहीं, उसी ख्याल के कारण क्या क्या सोच रहा हूँ, मन में बोल गए किशन गुप्ता। फिर बोले, अच्छा हाँ, और एक खबर जो बताना था कि 2 सप्ताह बाद एक लड़का आने वाला था, वो कल या परसों ही आ जाएगा, जो तुम्हारे साथ ही शिफ्ट होगा। अंकित के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान खेल गई, पर अजीब तरीके से गर्दन को इधर उधर घुमाते हुए बोला, अच्छा है अच्छा है, आने दो। फिर कमरे को ठीक से एक बार देख किशन गुप्ता वहाँ से चलते बने। उन्हें कुछ ऐसा महसूस हो रहा था कि वो जल्दी से उस कमरे से निकल जाए। वहाँ एक घुटन सी थी और ऊपर से अंकित की रहस्यमय बातें तो थी ही। बाहर आते वक्त उन्होंने केवल यही कहा कि अपने शरीर का ख्याल रखना, दवाई लेते रहना, जो भी बीमारी हो, कुछ दिक्कत हो तो तुरंत बताना। रात के वक्त अंकित के कमरे में अंधेरा है। अंकित उस विंड चाइम के नीचे बैठा हुआ कुछ बोल रहा है जिसे समझा नहीं जा सकता। बालकनी के पास एक काली परछाई खड़ी हंस रही है और कमरे के अंदर एक भयानक डरावनी आवाज़ करते हुए कुछ प्रेत की छाया भी इधर उधर दिख रही है। ऐसा लगता है कि विंड चाइम और अंकित दोनों जुड़ चुके हैं। अंकित का चेहरा अभी एकदम भयानक है और उसकी आंखें विंड चाइम को ही देखे जा रही है, जो कि एक लय में टुन टुन कर बजता जा रहा है। दोपहर के 2 बजने वाले हैं। एक आदमी एक दरवाजे को खटखटा रहा है। उसकी उम्र यही कोई 30-31 के आसपास होगी। घने बाल, गोरा रंग, शर्ट और पैंट पहना हुआ, साथ में 2 बैग। 3-4 बार जब उसने दरवाज़ा खटखटाया, वह अंदर से कोई आवाज़ नहीं आई, तब कमरे के मालिक किशन गुप्ता को फ़ोन लगाने के लिए पॉकेट से मोबाइल निकाला ही था कि दरवाज़ा आवाज़ करता हुआ थोड़ा सा खुल गया। दरवाजे को पूरा खोल अंदर देखा तो दरवाज़ा व खिड़की सब बंद है, जिसके कारण एक गहरा अंधेरा पूरे कमरे में फैला हुआ है। उस आदमी ने सोचा शायद कोई अंदर नहीं है, पर दरवाज़ा तो अंदर से बंद था। एक बड़ा ही बेकार सा बदबू उस आदमी के नाक को छूकर निकला, मानो अंदर किसी की लाश सड़ रही हो। पर अचानक ही पूरे कमरे में एक सुगंध फैल गई और लाइट जल उठी। अचानक ही लाइट जलने के कारण वो आदमी चौंक उठा। स्विच बोर्ड के पास देखा तो एक आदमी अपने चेहरे पर हंसी लिए उसी की तरफ देख रहा है। चेहरा मानो कुछ ही समय पहले विभत्स था पर अब अच्छा है। एक शैतानी साया मानो खड़ा है पर देखने वालों के लिए साधारण व्यक्ति। वो आदमी हंसते हुए बोला, ओ तो आप हैं अंकित, कमरे के मालिक ने मुझे बताया था। अंकित बोला, हाँ और आप कौन? आदमी बोला, मैं राकेश, यहीं जौनपुर से, यहाँ एक प्राइवेट कंपनी में जॉब लगी है। और आप यहाँ कैसे? बातें चल पड़ी। राकेश अपना सामान रखने लगा और अपने बेड को ठीक किया, फिर बालकनी का दरवाज़ा खोल दिया। एक टिन टिन की आवाज़ आई, उसे देखते हुए राकेश बोला, अच्छा कमरे में अंधेरा करके क्यों सो रहे थे? अंकित, जो कि एक कौतूहल भरे नज़र से राकेश को देख रहा था, वो धीरे से हंसकर बोला, मुझे अंधेरा बहुत पसंद है। और ये विंड चाइम? विंड चाइम को ध्यानते हुए राकेश बोला। अंकित की आवाज़ अब बदल रही थी, मानो शांत आवाज़ अब परिवर्तित हो रही थी एक शैतानी आवाज़ में। एक तीखी आवाज़ में हंसकर वो बोला, यही तो इस कमरे की जान है। राकेश ने इससे पहले भी विंड चाइम देखे हैं, पर ये उनसे साइज़ में बड़ा है। विंड चाइम खूबसूरत तो है, पर देखकर लग रहा है कई सालों पुराना है। और सबसे बड़ी बात, कांच नहीं। उसे इन सब के बारे में ज़्यादा पता नहीं, पर अब ध्यान दिया अंकित की तरफ। आंखें लाल हैं, कपड़े ऐसे लग रहे हैं मानो
कई दिन से धोए न गए हों। नाखून सामान्य से कुछ बड़े, चेहरा धंसा हुआ अंकित के शरीर को देखकर राकेश के मन में सवाल उठा कि लगता है शायद बीमार है क्या। राकेश है बातूनी टाइप का आदमी, तो ये बात कहाँ मन में रहती, आ ही गई मुँह पर। अंकित जी, आप बीमार हैं क्या? आपको देखकर ऐसा लग रहा है। अंकित हंसकर बोला, आपको पता चल जाएगा। राकेश ने मन में कहा कि ये कैसा उत्तर हुआ। एक बार उसने पूछा कि आपने क्या कहा, पर अंकित हंसा और कोई जवाब दिए बिना ही फिर बेड पर लेट गया। राकेश जब से इस कमरे में आया है उसे कुछ महसूस हो रहा है, शायद शरीर की थकावट हो या शायद नए जगह आने के कारण, पर यहाँ कुछ अलग बात है। एक नशा है जो कह रहा है कि सो जाओ और काल आपको आकर खा लेगा। राकेश को नींद आने लगी। राकेश की आंखें मानो अपने आप बंद हो रही हैं। थके हुए शरीर को लेकर राकेश भी बेड पर आराम करने के लिए लेट गया। शाम का अंधेरा मानो ये कह रहा है कि राकेश के ऊपर भी काला अंधेरा छाने वाला है। विंड चाइम धीरे धीरे टुन टुन कर रहा है और उसके नीचे अंकित बैठा है जिसकी आंखें बंद है। उसका शरीर नहीं, ये शरीर नहीं हो सकता, पूरा सड़ा हुआ, कई जगह मांस सड़कर हड्डियां बाहर आकर दिखने लगी हैं, पर पूरा चेहरा और सिर ठीक है। क्या भयानक दृश्य, मानो आदमी मरकर सड़ रहा है पर वो जीवित है, क्योंकि अंदर एक भयंकर आत्मा ने कब्जा किया हुआ है जो शायद आज राकेश के साथ मौत का खेल खेलेगा और उसकी हड्डियों को चबा जाएगा व खून को शरबत की तरह पी जाएगा। तभी राकेश आंखें मलते हुए उठा। बहुत देर तक वो सोया हुआ था, जमाई लेते हुए नज़र पड़ी विंड चाइम की तरफ, नहीं विंड चाइम के नीचे जहाँ अंकित दीवार से अपनी पीठ सटाकर बैठा हुआ था और एक भयानक नज़रों से राकेश को ही देख रहा था। उसके चेहरे पर एक हंसी है। राकेश बिना कुछ बोले ये देख रहा था कि आखिर इस आदमी को प्रॉब्लम क्या है, लगता है दिमाग से थोड़ा पागल है। राकेश के चेहरे पर हंसी आ गई और वो बोला, नहीं बोला और एक ऐसे नज़रों से राकेश को घूरा मानो अभी उसके टुकड़े करके खा जाना चाहता हो। इसी कारण अंकित ने अपनी जीभ भी ऐसे ही बाहर निकाल कर इधर उधर फिराई। राकेश उठकर बाथरूम चला गया और मन में सोचते हुए कहने लगा कि अंकित बहुत मजाकिया है, पर हरकतों से नहीं लगता कि ऐसी कोई बात है। शाम अब धीरे धीरे रात में परिवर्तित हो रही थी, घड़ी 7 बजे को बस पार कर रही थी। राकेश ने एक बार अंकित से पूछा कि क्या वो रात का खाना खाने के लिए बाहर जाएगा, पर अंकित ने सिर हिलाकर मना कर दिया और बालकनी की तरफ जाकर खड़ा हो गया। राकेश बाहर निकल गया, उसे जोरों की भूख लगी थी। कमरे की बिल्डिंग से नीचे उतरकर कुछ ही दूरी पर खाने के कई सारे होटल हैं। राकेश के जाने के बाद जो नज़ारा पूरे कमरे का है वो बहुत ही भयानक है। एक सड़ा हुआ मुर्दा जो जिंदा है, कई सारी काली परछाएं चारों तरफ से कमरे को अपने आगोश में किए हुए हैं। ये विंड चाइम इस वक्त तेज़ी से हिल रहा है। बेड पर बैठते हुए राकेश ने पूछा। अंकित भारी आवाज़ में बोला, विंड चाइम से खुद ही पूछ लो। राकेश बोला, पता है अंकित, कहते हैं विंड चाइम अक्सर नकारात्मक व भूत प्रेतों की उपस्थिति के बारे में संकेत, पर कैसा संकेत ये नहीं जानता। बाहर हवा भी नहीं चल रही, फिर भी ये इतना क्यों है? अंकित ने एक जोर की हंसी लगाई। वो फिर अजीब तरीके से राकेश को देखने लगा। रात के 11 बजे राकेश को फिर एक नशा सा महसूस होने लगा। आंखें कंट्रोल से बाहर, बहुत तेज सी नींद आई राकेश को, इसीलिए वो जल्दी से लेट गया। अंकित के कमरे का लाइट बंद किया, नहीं अंकित उठा भी नहीं बेड से और लाइट अपने आप बंद हो गई। रात के उस वक्त लगभग 1 बजने वाले थे। राकेश को लगा कि मानो उसके चारों तरफ कोई खड़ा है। जो भी है, उसकी आवाज़ राकेश कानों में साफ साफ सुन पा रहा था। राकेश एकाएक उठा, कमरे में पूरा अंधेरा था और इस अंधेरे में डरावना कुछ और नहीं, किसी कारण से अंधेरा कुछ ज़्यादा ही गाढ़ा दिख रहा है, मानो काला कोहरा जमा हुआ है। तभी एक हंसने की आवाज़ आई, ऐसी आवाज़ कि धड़कने बढ़ जाए। हाथ से मोबाइल को लेने की कोशिश करते हुए राकेश ने बिस्तर पर इधर उधर हाथ मारा, पर मोबाइल नहीं मिला। सोते वक्त तो यहीं पर राकेश ने रखा था। तभी एक भयानक आवाज़ आगे से आई, फिर राकेश को ऐसा लगा कि वो मानो इस कमरे में नहीं है, वो मानो किसी शमशान में बैठा हुआ है और कई भूत पिशाच उसके चारों तरफ घूम रहे हैं। वो सभी राकेश को देखकर हंस रहे हैं और उनके शरीर पर खून के छींटे व धब्बे लगे हुए हैं।
राकेश उठने ही वाला था कि उसे लगा वो पूरी तरह वहीं पर जम गया है। उसकी नज़र विंड चाइम की तरफ पड़ी। वहाँ से निकलती एक रोशनी जिसमें दिखता एक भयानक सा टेढ़ा मेढ़ा चेहरा जो टेढ़ा मेढ़ा होकर इधर उधर चलते हुए ही आ रहा था। राकेश चिल्लाना चाहता था पर मुँह से आवाज़ नहीं निकल रही थी, पर मानो उसका गला उसके गले से निकल कर दूर तक नहीं जा रहा। तभी एक चिल्लाने की आवाज़ और एक साथ राकेश पर मौत टूट पड़ी। आगे भयानक सा एक और चेहरा दिख रहा है, ये तो अंकित है, और जो राकेश के गले की तरफ अपना हाथ बढ़ा रहा है और कई शैतानी शक्तियों ने राकेश को जकड़ रखा है जो शायद उसी विंडचाइम के पास से ही आ रहे हैं। मानो उस विंडचाइम से एक भूतों व शैतानों की दुनिया खुलती हो। उधर विंडचाइम इस समय अपने पूरे धुन पर है जो बहुत ही तेज़ व अजीब आवाज़ में बज रहा है, मानो ये धुन मौत की है। सुबह सुबह बिल्डिंग के पास हंगामा है, लोगों के चेहरों पर आतंक साफ नज़र आ रहा है, लोग घबराए हुए हैं। किसी किसी के मुंह से निकल रहा है कि यहाँ अपराध कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया है। लोग नीचे खड़े होकर ऊपर के भयानक नज़ारों को देख रहे हैं। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये कैसे हुआ। आसपास के कुछ लोग कह रहे हैं कि ऐसी घटना यहाँ दूसरी बार हो रही है, इससे पहले एक लड़की की मौत फिर कुछ इसी तरह यहीं पर हुई थी और आज यहाँ फिर एक आदमी। कोतवाली पुलिस आई, सीढ़ी से चढ़कर पास ही कमरे जाते ही पुलिस वालों ने हैरान होकर देखा कि बेड के पास एक कंकाल पड़ा हुआ है जिसमें कहीं कहीं मांस है जो सड़ रही है। वहाँ अंदर कमरे में दुर्गंध, आसपास खून के छींटे, पास के एक और बेड पर खून व शरीर के चिथड़े पड़े हुए हैं, मानो हत्यारे ने बड़ी बेरहमी से उसका कत्ल किया हो। और बाहर बालकनी से राकेश का शरीर झूल रहा है, किसी ने उसे मार कर वहाँ बाहर उसके शरीर को झुला दिया है। उसके शरीर से कई जगह मांस को फाड़ा गया है, मानो किसी ने चाकू से उसे चीर दिया हो। क्या विभत्स दृश्य! पुलिस वाले भी ये देखकर हैरान व आतंकित हो गए। उनके मन में सवाल उठा कि यह सड़ता शरीर किसका है, इसको शायद किसी ने 5-6 दिन पहले ही मौत के घाट उतार दिया था। यहाँ के मालिक किशन गुप्ता को बुलाया गया तो वो ये सब देख और हैरान है। उन्होंने पुलिस वालों को बताया कि राकेश कल ही आया है, और किशन गुप्ता ने उस सड़ते हुए आदमी को देखकर भी बताया कि वो अंकित जो एक हफ्ते पहले ही यहाँ आया था। अभी परसों ही तो किशन गुप्ता अंकित से मिले थे, और एक ही दिन में ये सब कुछ कैसे? उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। केवल उन्हें ही नहीं, यहाँ तक कि पुलिस वालों को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो क्या होगा आगे? क्या कोई नया शिकार आएगा उस कमरे में, या विंडचाइम का रहस्य किसी को पता चल पाएगा? क्या पुलिस पता लगा पाएगी कि इन सब के पीछे किसी पारलौकिक या तीसरी दुनिया की शक्ति का हाथ है? ये सब जानेंगे हम इस कहानी के अगले भाग में। यहाँ तक आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ इस कहानी के अगले भाग के साथ बहुत जल्द। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।